नगर पालिका गन्नौर प्रधान पद को लेकर आरओ एवं एसडीएम सुरेंद्र पाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में 17 पार्षदों समेत विधायक कुलदीप शर्मा व सांसद रमेश कौशिक पहुँचे। घंटे भर तक चली मीटिंग में वोटिंग के जरिए चेयरमैन पद का चुनाव हुआ। सतप्रकाश शर्मा को 10 वोट लेकर प्रधान चुना गया। वोटिंग कर बाहर निकले सांसद रमेश कौशिक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एमपी समर्थक व पार्षद हाथापाई पर उतारू हो गए। पुलिस की मौजूदगी में सांसद गाड़ी में सवार होकर निकल गए। चलिए अर्थ प्रकाश के कैमरे में कैद नगर पालिका के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। साथ में आपको दिखाते हैं उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र पाल व नगर पालिका चेयरमैन सतप्रकाश शर्मा ने क्या कहा। नगर पालिका चुनाव में सभी 19 पार्षद सहित एमपी और एमएलए शामिल हुए। सभी ने अपने मतदान का प्रयोग किया और श्री सतप्रकाश शर्मा 10 वोट प्राप्त करके विजयी घोषित हुए। वोटिंग कितनी? वोटिंग सभी शामिल थे, 19 वोट थे, सभी ने अपना मतदान किया है। टोटल एमपी एमएलए ने जी जी ठीक है। आप चेयरमैन बने हैं तो आपकी क्या रणनीति विकास कार्य को लेकर? सर रणनीति तो पीछे भी मुझे मौका मिला था, मैंने सवा साल के अंदर काफ़ी काम कराने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि मैंने सब कुछ करा दिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ कराने की कोशिश की। और सही मायने में तो आज तक मेरे को हटे हुए आई थिंक 1.5 साल हो गया है, लेकिन आज तक मेरे द्वारा टेंडर किए हुए आज तक चले हुए हैं। जब मुझे मेरे साथियों ने हटाया नॉन कॉन्फिडेंस से, उस समय जब हटाया गया तो 10 करोड़ के टेंडर हमने लगा रखे थे और आज तक वही काम हुए हैं। पिछले 1.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि पिछले 1.5 साल में 1 करोड़ का काम हुआ होगा उनको छोड़ करके, क्योंकि जो काम 10 करोड़ के चल रहे थे वो काम आज तक हो रहे हैं। अगर मैं होता मैं कोशिश करता कि मैं काम में स्पीड बढ़ाऊं, और अब मेरे साथियों ने मुझे मौका दिया है। निश्चित तौर पे मैं वैसे मेरी पार्टी कोशिश है, लेकिन मैं सरकार के साथ मिल करके मैं काम करूंगा और मुझे आशा है, अपने साथी भरोसा है कि हम शहर का विकास करेंगे और अपने शहर की जो हमारी जो विकास कर रुके हुए थे उनको गति प्रदान करेंगे। सर आपको वो एक राजनीति अलग से है, लेकिन सभी जगह कोई पक्षपात नहीं होगा। जिसने मुझे वोट दी वो भी मेरा, जिसने नहीं दी वो भी मेरा, क्योंकि ये बातें ना तेरा मेरा ये सब चुनाव के अंदर होती है। उसके बाद कोई पक्षपात नहीं, सब बराबर है, सब में काम होगा, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ काम होगा। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।